हर चीज में हम किसी ना किसी चीज से रिलेट करते हैं. जैसे ही जैसे वैलेंस का नाम आता है तो हम 6 शादियों से रिलेट करते हैं. आरोही का नाम आता है तो हम चिल से रिलेट करते हैं. उसके बाद फिर प्लेग्राउंड का नाम आता है तो गेमिंग से कर लेते हैं, है ना. और जैसे ही एल्विश का नाम आता है तो हम थप्पड़ से रिलेट कर लेते हैं. तो क्यों नहीं भाई, मैं तो भाईचारे से देखता हूँ. और मैं तो नहीं देखता ना. वो थप्पड़ से ही देखता भाई. मैं तो एक से ही देखता हूँ, थप्पड़ थप्पड़ से ही. तो आज की गेम भी कुछ ऐसी होने वाली है. या गेम का नाम होने वाला है थप्पड़ लगाओ गलत फहमी भगाओ. मजा आएगा. तो आज लोगों को थप्पड़ मारेंगे और उनकी गलत फहमी दूर करेंगे. तू बहुत खुश हो रहा है, तेरे मेरी गेम आ गई. नहीं मारूंगा, कौन मारेगा. देखो जिस लेवल पर थप्पड़ तुम लोगों को खाने की जरूरत है ना, उस लेवल के हाथ तुम्हारे पास तो है ही नहीं, है ना. तुम्हारे तो छोटे छोटे हाथ है. तो अब हम एक स्पेशल हाथ बुलाते हैं और वो लेके आते हैं. लाओ भाई, लाओ भाई, ले. वो तो सही भारी है. ओ, मजा टिकेगा, मोटा ही टिकेगा भाई. ले भाई मार ले, ले इनके. कुमार को क्या करना है, एक एक करके आना है और फिर जिसको तुम थप्पड़ मारने वाले हो उसको बुलाओ और उसे खींच के चाटा लगाओ और उसको बताओ कि भाई तू अपने आप को समझता हीरो है पर तू हीरो नहीं है, तू जीरो है, तू पुस्सी बम है. इसमें ट्विस्ट लाते हैं भाई. हिमांशु भाई पहले आप आके खड़े हो जाओ इधर. हिमांशु भाई वो टास्क सफर पे नहीं बढ़ता भाई. मैं पूरे आर्केड से पूछना चाहता हूँ इस आदमी की गलत फहमी जो तोड़ना चाहते हैं हाथ उठा लो, जो इसकी गलत फहमी तोड़ना चाहते हैं. ओ माय गॉड, इतने सारे. ओ माय गॉड, वो भाई अभिनव भी चाटा मारेगा क्या. वैलेंस आ जा और उधर खड़ा हो जा घोड़ी यार भाई. अरे ले कर अपना काम. वैलेंस इसको क्या गलत फहमी आपको बताने, क्या गलत फहमी फिर मारना. तेरी गलत फहमी ये है, तू कभी कभार अपने आप को हर जगह सही समझता है लेकिन तू कहीं कहीं जगह गलत होता है. ठीक है, उसके लिए मैं तुझे चंड मारना चाहता हूँ. मार दू. बस अब भी नहीं आया मजा. अब मैं बोलू किस किसने हाथ उठाया था भाई. हाथ उठ नहीं, पर मेरे को एक एक करके जवाब देना है ना. नहीं नहीं देना यार ये क्या. अरे मैं कहता हूँ नहीं देना, जब कहेंगे जब दे देना. जो भाई कह रहा है वो मानना तो पड़ेगा. नेक्स्ट पिंगू आ जाओ. चारा भाई क्या गलत फहमी है इसकी, अच्छे से उतार दे. तू बेस्ट एंटरटेनर तो नहीं है. ओके. और तू बहुत सारी चीजें जो सोचता है शायद होती होगी शायद नहीं भी होगी, बट यू कांट प्रेडिक्ट एवरीथिंग. तेरे हाथ में सब कुछ नहीं है. मुंह पे दे घुमा के चटाका. ओले बस यार ठीक है भाई, बहुत चाटे खा लिए मेरे भैया ने. अब ज्यादा नहीं खाने. अब किसको उठाया जाए. चिल को. आओ चल भाई. भाई सालो तुम हाथ लगा के दिखा दो मुझे. कौन कौन चिल के लगाना चाहता है. आ जाओ. हाँ भाई आयुष आ जा. मैं चिल को बोलना चाहूंगा कि बीच में 2 दिन पहले ही इसकी और बीटी की लड़ाई हुई थी और पता नहीं कुछ तो हुआ था. तो इसमें बीटी आरोही को बता रहा था कुछ कंट्रोल जे होगा. तो अब चिल को ऐसी गलत फहमी हुई कि बीटी हमें जिताने के लिए आरोही को गलत कंट्रोल जे बता रहा था. तो ये गलत फहमी मैं दूर करना चाहता हूँ. बुढ़िया के बाल खाते हो ना तुम. अरे मत मारो भाई. हेलो ये तो पर्सनली एंड निकाल रहा है सब. इसको मारियो पकड़ के खेले से. मांशु रीजन तो मार. क्या रीजन बना दे, कोई रीजन है. तो अहमद को लगता है वो बहुत फनी है. अहमद को लगता है वो बहुत ज्यादा एंटरटेन करता है लोगों को. पर उसे ये लगता है कि जिस तरह से वो एंटरटेन करता है वैसे लोग होते हैं नहीं. गाली देने से कोई कूल नहीं हो जाता और गाली देने से कोई फनी नहीं हो जाता भाई. इस हिसाब से तो कैरी की टीम आनी ना चाहिए यहाँ पे. हाँ तो सबसे पहले तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर. फनी इस हिसाब से तेरी भी टीम नहीं बनती. आओ इसको अब चेंज करते हैं. चिल ब्रो, तू किसको लगाना चाहता है एक गलत फहमी का चाटा. यूज खाती हूँ चाटे जितनी तो खुद ही है. मुझे भी इसको झापड़ मारना था. आजा खाते आजा. थोड़ी मजबूत होकर खड़ी हुई कभी गिर जा. तो भाई साहब इसकी गलत फहमी यो है, इसको लगता कि यहाँ पे ऐसा मतलब किसी के साथ हिमांशु के साथ रहती हूँ मैं, सीधी बात बोलता हूँ. तो इसको लगता कि वो घर में ऐसे बॉन्ड बना के और थोड़ा सा किसी के साथ में रह के गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड मैं साथ में बोल नहीं रहा हूँ लेकिन ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बॉन्ड दिखा के फोटेज के लिए एक दिन कह भी रही थी वो खड़े होके कि कम से कम हमारी बाहर जीन तो कटेगी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली. तो देख अगर तुझे लगता है कि जो पूरा टाइम इंस्टाग्राम देखता रहता है अपना रंबल के बाहर में इसको रूल नहीं बताएगा तुमने चुप खड़ा रहना झाड़ू लगाना क्या. सुधर जा थोड़ा सा. सीख ले इस घर में सीख ले सीख ले. ये तो किसी के साथ रहने से ये आपकी गलतफहमी है.
अगर तुझे लगता अमीरी हो गलत फहमी है तो तू तू पागल है क्या तू? चिल भाई ठीक है ओके अब क्या करना है? प्यार दिख रहा है ले तो छोड़ जा यहाँ पर बैठ जा दिखाओ भाई बिट्टे कम हियर प्लीज भाई ले अब बता दो लोगों का चार्ट है मारो भाई जिन जिन को आपके वो मिटाना है क्या कहते हैं उसको गलत फहमियाँ गलत फहमी साढ़े के आजा भाई पिंगू खड़े हो जा अमुक तू भी खड़े हो जा लाइन लगा तेरी गलत फहमी ये कि मैं आयुष और अभिनव हम तीनों भाई है लेकिन गेम जब भी गेमिंग अरीना में जाते हैं ना तो ये दोनों भी मेरे भाई नहीं है मैं ये दोनों को भी हराने के लिए खेलता हूँ और बार बार खेलता हूँ और अभिनव को हराने के लिए आया हूँ ठीक है तो तेरी सबसे बड़ी गलत फहमी ये आराम से यार बेटी बस थोड़ा आगे बस वाला पासा मार बीच में डंडा भी है उसके डंडा भी है बीच में भाई तेरे को जो भी पावर बोल रही है कि तू जीतेगा मैं वो पावर की कसम खा के बोलता हूँ मैं तेरे को जीतने नहीं दूंगा भले मैं जीतू या नहीं जीतू मुंडी नीचे मुंह पे तो ले भाई आई होप जिसको अब मैं बुलाऊंगा वो असली की गलत फहमी तोड़ेगा मिस लेखा जी लेखा उन्नी कृष्णन जी आइए आप हाँ आ जाओ क्या बात है ओ अरे इसको हटाओ यार इसको मत मारो कोई किसी और को मारो भाई आदि भाई कर्मा आपकी ये गलत फहमी है कि आप कभी हार नहीं सकते हो मैंने कभी नहीं बोला आपने बोला है मैंने कभी नहीं बोला आपने ये बोला है कि एंटरटेनमेंट टास्क में फिजिकल टास्क में मैं जीत के ही आऊंगा और आपकी ये गलत फहमी ये है कि यहाँ पे आपका कोई कंपटीशन नहीं मैंने नहीं बोला पिंगू अभिनव है मेरा कंपटीशन नहीं बट आपने बोला है इंस्टेंसेस आप एपिसोड में बोले Hero Extreme 125R presents Playground Season 3, powered by POA. Streaming partner Amazon Mini TV. Amazon Mini TV का app download करो और Playground 3 के episode देखो यार free में.